शिवाय नमः। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक गड्ढा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है। शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे। 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, शरीर कुछ वही वही है, उतने की उतना ही, बीच में ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही। तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा एक चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो, औषधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।